अगर दोस्तों आप भी अपना डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन किए हैं और उसको लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे एम पिन डालने की ज़रूरत पड़ती है, वो आपको एम पिन मालूम नहीं है तो उसको कैसे फॉरगेट करके न्यू एम पिन सेट करेंगे, तो दोस्तों मैं इस वीडियो को बताने वाला हूँ कि आप एंजल वन का एम पिन कैसे फॉरगेट करके न्यू एम पिन सेट कर सकते हैं। बस आपको इसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को नीचे सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा प्रेस कर लेना ताकि आपको आगे भी इस प्रकार के डेली आपको वीडियो मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले तो जो आपने मोबाइल में जो किसी ब्राउज़र को ओपन करेंगे, अगर आपके पास लैपटॉप है तो और भी बढ़िया है, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो मैं मोबाइल से ही बता रहा हूँ कि जो कि आपके पास मोबाइल तो होगा ही, आप मोबाइल से कर सकते हैं। मैं आपको लैपटॉप से इसलिए नहीं बताता हूँ कि दोस्तों लैपटॉप बहुत लोगों के पास नहीं रहता है और वो एफर्ट भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर मोबाइल से बताता हूँ जो कि आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से समझ आए और आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं आपको यहाँ पर मोबाइल फ़ोन में बताता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मोबाइल से करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले तो किसी ब्राउज़र को ओपन करेंगे, चाहे तो गूगल को ओपन कर लें या तब गूगल क्रोम को ओपन कर लें, ठीक है। आपको यहाँ पे कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गूगल को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सर्च बॉक्स में आना है और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना एंजल वन, ठीक है। जो भी आप यहाँ पे एंजल वन सर्च करेंगे उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ एंजल वन, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। लिंक इसका आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहे तो डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। आने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलता है, तो आपको यहाँ पे जो है आ जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो मोबाइल नंबर डाल देना है, जो भी मोबाइल नंबर आपने जो है एंजल वन एप्लीकेशन को ओपन करते वक्त यानी बनाने के वक्त डाला था वो मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे सिंपली गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना, उसके बाद जब यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेस का ऑप्शन है, तो यहाँ पे प्रोसेस ले लेने के बाद आपको यहाँ पे ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, तो ओटीपी को आपको इस वाले बॉक्स में फिल कर देना है। जो भी आपके मोबाइल पे ओटीपी आया होगा यहाँ पे फिल करेंगे। अगर आपके मोबाइल में ओटीपी हो सकता है कि नहीं आया है तो ये जो टाइम चल रहा है यहाँ पे देख सकते हैं रिसेंट इनका, तो आपको यहाँ पे टाइम खत्म होने के बाद यहाँ पे दोबारा से आप ओटीपी मंगवा सकते हो। तो मेरे मोबाइल में ओटीपी आ चुका है, तो यहाँ से मैं सिंपली को ओटीपी को फिल कर दे रहा हूँ, ठीक है। ओटीपी फिल कर लेने के बाद नीचे आपको आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूज रेफरल कोड, अगर आपके पास कोई रेफरल कोड है तो यहाँ पे डालेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है, उसके बाद आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। नाम आने के बाद नीचे आपका यहाँ पे जो है जो भी एंजल वन का आईडी होगा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है इंटर पिन, जो कि आपको यहाँ पे जो है एम पिन यानी जो भी इसको बोलते हैं एम पिन बोले या इंटर पिन बोले, इसी को यहाँ पे मुझे फॉरगेट करके न्यू बनाना है, ठीक है, यानी न्यू बनाना है। तो यहाँ पे फॉरगेट पिन के ऊपर क्लिक करेंगे, फॉरगेट करना है तो यहाँ पे फॉरगेट पिन के ऊपर क्लिक कर देना आपको, ठीक है। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे जो है फॉरगेट पिन का ऑप्शन आ जाता है, नीचे आपको यहाँ पे जो आईडी आपको ऊपर में देखने के लिए मिलता है। उसके बाद आपके मोबाइल पे फिर से ओटीपी से लिखा जाता है, तो ओटीपी को मैं फिर से यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ। अगर हो सकता है ओटीपी नहीं आए तो यहाँ पे जो टाइम चल रहा है टाइम खत्म होने के बाद आप यहाँ पे दोबारा से ट्राई करके ओटीपी मंगवा सकते हैं। तो ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे रीसेट पिन का ऑप्शन आ जाता है, जो कि यहाँ पे आपको जो पिन डाल देना है जो भी आप अपना यहाँ पे पिन सेट करना चाहते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको यहाँ पे 4 डिजिट का आपको पिन डाल देना, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ पहले ऊपर में ही देख सकते हैं रीसेट पिन के नीचे प्लीज़ इंटर 4 डिजिट पिन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो भी पिन डालना है 4 डिजिट का यहाँ पे डालेंगे, सेम उसी प्रकार से पिन को कंफर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म पिन के ऊपर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कोई कॉन्ग्रेचुलेशन का ऑप्शन आ चुका है, तो आपको यहाँ पे जो एम पिन यहाँ पे फाइनली सेट हो चुका है, जो भी आपने एम पिन सेट किया, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यू टू मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप इस प्रकार से जो है एंजल वन का एम पिन या पिन जो भी बोले उसको इस प्रकार से फॉरगेट करके अपनी पिन बना सकते हैं। हम उम्मीद है कि दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर देना है। साथ ही साथ दोस्तों आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी डाउट है, कुछ भी मुझे पूछना है, तब मुझे इंस्टा पे फॉलो करके वहाँ से पूछ सकते हैं। इंस्टा का आईडी आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या तो आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा होगा, आपको यहीं से फॉलो करना ताकि दोस्तों आपके साथ कोई स्कैम ना हो। और दोस्तों हो सके तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि दोस्तों जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आगे के वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपका ही छोटे भाई का चैनल है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।